अराउंड द वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ दीपाली। अराउंड द वर्ल्ड में आज एक बार फिर बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, जिसे सबक सिखाने के लिए अमेरिका और रूस एक बार साथ आ चुके हैं। वहीं रूस जो कुछ वक्त पहले तक नॉर्थ कोरिया को अमेरिका के खिलाफ होने की वजह से उसका फेवर करता आया है, लेकिन अब वो भी किम का हाथ छोड़ चुका है। हाइड्रोजन बम टेस्ट और फिर परमाणु बम के हमले की धमकी वाले बयान के बाद दुनिया के देश किम का इलाज खोजने में जुट गए हैं। अमेरिका जहां अब किम के कत्ल की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं रूस ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया संभल जाए वरना हमले सहने के लिए तैयार रहे। अब होगा किम का सफाया, खत्म होगा दुनिया का खौफ, रूस कर देगा नींद हराम, अमेरिका मिटाएगा नामो निशान, तैयार है किम का किलिंग प्लान। अमेरिका पर बार बार परमाणु हमले की धमकी देने वाला किम जोंग उन, साउथ कोरिया पर अटैक करने की बात कहने वाला किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के कई अफसरों और अपने करीबियों को मौत के घाट उतारने वाला किम जोंग उन, अपनी हरकतों से अब तक इस तानाशाह ने बस बदनामी बटोरी है। कहने को किम खुद को नॉर्थ कोरिया का मसीहा मानता है, लेकिन सच ये है कि नॉर्थ कोरिया में हर कोई किम का नाम सुनते ही सहम जाता है। क्या नॉर्थ कोरिया के अंदर और क्या बाहर ये तानाशाह सिर्फ तबाही चाहता है और चाहता है कि हर तरफ सिर्फ उसके नाम का डंका बजे। पर अब वक्त बदलने वाला है, पासा पलटने वाला है, किम की करतूतों का उसे करारा जवाब मिलने वाला है। मासूम से नजर आने वाले इस क्रूर तानाशाह का खेल खत्म करने की प्लानिंग तैयार हो रही है, और इसका जिम्मा खुद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने संभाला है। जी यही सच है कि किम के कत्ल की प्लानिंग पर काम शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर किम जोंग उनकी हत्या का प्लान बना रहे हैं। दरअसल इन दिनों कोरियाई प्रायद्वीप में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल चल रही है। हर साल होने वाली इस ड्रिल को रिजॉल्व एंड फुल ईगल के नाम से जाना जाता है, पर इस बार इस मिलिट्री ड्रिल में एक अलग मिशन शामिल किया गया है। इस मिशन के तहत युद्ध होने पर किम को जान से मारने की योजना बनाई जाएगी। विदेशी मीडिया ने किम के कत्ल की प्लानिंग वाले मिशन को बीहेडिंग मिशन नाम दिया है। मिशन के तहत अमेरिका किम को निशाना बनाने के साथ ही नॉर्थ कोरिया की पूरी सेना को कमजोर करने की योजना बना रहा है। प्लान के तहत सैनिकों को किम को मारने की रणनीति भी बताई जाएगी, यानी साउथ कोरिया और अमेरिका जंग के हालात में किम के खात्मे का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और इस सन की तानाशाह का नामोनिशान मिटा देना चाहते हैं। तो वहीं किम के खिलाफ जंग में साउथ कोरिया और अमेरिका को अब रूस का भी साथ मिलता दिख रहा है। रूस ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वो संभल जाए वरना हमले झेलने के लिए तैयार रहे। रूस ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया का रुख इसी तरह आक्रामक रहा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। रूस की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रूस ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अगर वो इस तरह की धमकी देता है तो उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो खुद इसकी जमीन तैयार कर रहा है कि उसके घर में लोग हमले करें। नॉर्थ कोरिया अपने रवैये से ही अंतर्राष्ट्रीय हमले को बुलावा दे रहा है। किम के लिए संकेत साफ है कि अगर वो वक्त रहते नहीं सुधरा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, और उसकी हरकतों का उसे अब अमेरिका और रूस के हाथों करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। किम जोंग उन को दुनिया के सबसे सिरफिरे शासकों में से एक माना जाता है। अपने क्रूर फैसलों और जिद्दी आदतों के लिए बदनाम किम ने जनवरी के पहले हफ्ते में हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने का दावा करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। तमाम बैन और चेतावनियों के बावजूद किम जोंग उन इंसानियत को दरकिनार कर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहता है। जनवरी 2016
पूरी दुनिया के सिर से नए साल के जश्न का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि कई देशों में लोगों के पांव तले जमीन खिसकने लगी, धरती हिल रही थी। लेकिन ये कोई खुमार नहीं था, बल्कि भूकंप के झटके थे। इस भूकंप को एक तानाशाह की सनक की फैक्ट्री में पैदा किया गया था। जी हाँ, ये मैन मेड यानी मानव निर्मित भूकंप था। दुनिया के सबसे रहस्यमय, सबसे जिद्दी और सबसे उग्र देशों में शुमार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने वो कर दिखाया जिसका डर पूरी दुनिया को कई दिनों से सता रहा था। नॉर्थ कोरिया ने पहले हाइड्रोजन बम के परीक्षण को अंजाम दिया और बकायदा दुनिया के सामने इसका ऐलान भी किया। हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक छोटा सा हाइड्रोजन बम भी एक साथ कई शहरों को तबाह करने की ताकत रखता है। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम विस्फोट से दुनिया के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को झटके लगने लगे। नतीजतन फौरन ही अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान नॉर्थ कोरिया से सटे साउथ कोरिया की तरफ रवाना कर दिए। सवाल ये है कि क्यों नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए खतरा बन गया है, क्यों नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में अलग थलग है, कौन से देश नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लौटना होगा। बाद 1990 जब जापान ने अविभाजित कोरिया पर कब्जा कर लिया था। जापानी कोरियाई लोगों को ये यकीन दिलाते रहे कि वो उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं की सभ्यता के लोग हैं। 1945 में जब अमेरिका विश्व युद्ध में हार गया तो नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में चला गया और साउथ कोरिया पर अमेरिका हावी हो गया। नॉर्थ कोरिया में सोवियत संघ के इशारे पर ही सरकार चल रही थी, लेकिन 1991 में अचानक हालात बदल गए। इसी साल सोवियत संघ टूट गया। सोवियत यूनियन से नॉर्थ कोरिया को मिलने वाली मदद बंद हो गई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल ने मिलिट्री फर्स्ट की नीति अपनाई। कोरियाई लोगों को यकीन दिलाया कि अमेरिका जैसी ताकतों से रक्षा के लिए सेना को मजबूत किया जाना जरूरी है। उत्तर कोरियाई लोगों को यह भी यकीन लगातार दिलाया जाता है कि वो मानव सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ हैं और बाहर की गंदगी से बचने के लिए अलग थलग रहना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर की दुनिया के संपर्क में नहीं आने दिया जाता। नॉर्थ कोरिया की सीमा चीन से लगती है, इसलिए चीन के रास्ते खाने पीने का सामान जरूर नॉर्थ कोरियाई लोगों तक पहुंच जाता है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और दूसरे खतरनाक हथियारों की सनक ने नॉर्थ कोरिया पर इतने प्रतिबंध लाद दिए हैं कि वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन तानाशाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हाइड्रोजन बम के परीक्षण के बाद नॉर्थ कोरिया पर और भी आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार चल रहा है, लेकिन अमेरिका मानता है कि नॉर्थ कोरिया लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानता। लिहाजा अमेरिका ने भी साउथ कोरिया की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद अमेरिकी B-52 बॉम्बर और F-16 के साथ दक्षिण कोरियाई F-15 विमानों ने नॉर्थ कोरिया की सीमा के पास उड़ान भरी। B-52 विमान परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। ओसान एयरबेस के ऊपर से गुजरते हुए ये साफ संदेश तानाशाह किम जोंग तक पहुंचा दिया गया कि ये तो सिर्फ आगाज है और अंजाम के लिए तैयार रहे। यूं तो नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उनके संघ की रवैये से निपटने के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया लगातार तैयारी करते रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को ताकतवर मिलिट्री एक्सरसाइज और बम गोलों की आवाज से अमेरिका और साउथ कोरिया पहले भी डराते रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का दिमाग अब भी ठिकाने नहीं लगा है। कभी हाइड्रोजन बम से भूकंप लाकर तो कभी पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर वो पूरी दुनिया को चेता रहा है कि उसकी आंखों में सिर्फ तबाही नाचती है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। उत्तर कोरिया के तानाशाह की आदतें अब दुनिया को डराने लगी है। वो जिस तरह आए दिन न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा है वो इस बात का सबूत है कि किम जोंग उन अपनी जनता की भूख की कीमत पर परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है। तभी तो पड़ोसी देश साउथ कोरिया के साथ अपने सभी एग्रीमेंट्स को उत्तर कोरिया के शासक ने खत्म कर दिया। हालांकि यूनाइटेड नेशंस उसे झुकाने के लिए पहले ही उस पर तमाम प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में मानो किम जोंग उन पागल हो चुका है। वो वेपन्स को हटाने की कीमत पर अपने देश के लोगों के लिए सिक्योर फ्यूचर भी नहीं चाहता।
डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया को झटका देने वाला एक और फरमान आया है। उत्तर कोरिया ने तय किया है कि वो अपने देश में मौजूद दक्षिण कोरिया की सारी एसेट्स को लिक्विडेट कर देगा, जबकि इंटर कोरियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देगा। उत्तर कोरिया की ओर से यह कदम दक्षिण कोरिया की उन पाबंदियों के विरोध में उठाया गया है जो उसने यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन प्रोग्राम के तहत लगाई थी। उत्तर कोरिया की कमेटी पीसफुल रियूनिफिकेशन ऑफ कोरिया की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों के बीच सभी एग्रीमेंट्स और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को अब से नल एंड वाइड माना जाएगा। आपको बता दें कि अभी पिछले ही महीने दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत कायसोंग इंडस्ट्रियल एरिया को बंद कर दिया था, जिसके बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़कर टकराव के दौर में आ गया। दक्षिण कोरिया के इस कदम के जवाब में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कायसोंग को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था। तभी से भड़के हुए किम जोंग उन ने इंडस्ट्रियल एरिया को बंद करने के जवाब में सारे एग्रीमेंट्स को भी रद्द कर दिया है। उत्तर कोरिया ने नए साल की शुरुआत ही कई मिसाइल्स और हाइड्रोजन बम टेस्ट के साथ की थी और इसके बाद से ही उस पर प्रतिबंधों की शुरुआत हो गई थी। हालिया पाबंदी 2 मार्च को लगाई गई, जब उत्तर कोरिया जाने वाले सभी कार्गोस पर भी बैन लगा दिया गया। इस वक्त हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में किम जोंग उन सनक और उल्टे फैसलों की वजह से पहचाना जा रहा है, जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी चुनौती देने से पीछे नहीं रह रहा। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। कैसे दो देशों की दुश्मनी इस स्तर तक पहुंच सकती है कि एक देश बेशर्मी की सारी हदें पार कर दे, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने अपने दुश्मन साउथ कोरिया के खिलाफ प्रचार युद्ध यानी कि प्रोपेगेंडा वॉर का जो तरीका ढूंढा है वो क्यों इतना घिनौना है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक मशहूर शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दशकों से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक बार फिर एक दूसरे के सामने हैं और इस बार दोनों की लड़ाई ने शर्मो हया और बेशर्मी के सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद से ही किम जोंग उन अपने दुश्मनों को तंग करने के लिए नए तरीके इजाद कर रहा है और किम के प्रोपेगेंडा का नया हथियार है गंदगी भरे गुब्बारे। नॉर्थ कोरिया पिछले कुछ हफ्तों से साउथ कोरिया के आसमान में प्रोपेगेंडा बलून दाग रहा है। इन गुब्बारों को मानव मल, इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर और सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों से भरा जा रहा है। डेटोनेटर का इस्तेमाल कर उन गुब्बारों में तब विस्फोट कर दिया जाता है जब ये साउथ कोरिया के किसी रिहायशी इलाके के ऊपर होते हैं। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया अब तक ऐसे 10 लाख गुब्बारे छोड़ चुका है। इन गुब्बारों में अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ दुष्प्रचार से जुड़ी सामग्री को भी भरा जाता है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से छोड़े गए गुब्बारों पर संदेश लिखा है कि साउथ कोरिया दोनों देशों की सीमा पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करे। एक तरफ दुश्मन पर गंदी सोच के साथ हमला तो दूसरी तरफ खतरनाक इरादों के साथ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया समेत दुनिया के बड़े देशों को मुंह चिढ़ाना नॉर्थ कोरिया की आदत बन चुकी है और तानाशाह किम जोंग उनकी ये आदत प्रोपेगेंडा युद्ध यानी प्रचार युद्ध को रियल वॉर यानी कि असली युद्ध में भी बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान मुंबई हमलों के 24 गवाहों से पूछताछ के लिए औपचारिक इजाजत मांगे तो इस पर विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान ने मांग की है कि 24 भारतीय गवाहों को इस्लामाबाद में 26/11 की सुनवाई कर रही अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए भेजा जाए। अभियोजन पक्ष के प्रमुख चौधरी अजहर ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से इस बाबत भारत को चिट्ठी भी लिखी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाढ़ और बारिश से बेहाल दुनिया की खबरों से। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए पहली तस्वीर संयुक्त अरब अमीरात की है जहां बाढ़ से लोग बेहाल हैं। दूसरी तस्वीर है अमेरिका के लुसियाना की जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और तीसरी तस्वीर है चीन की जहाँ पर भयंकर बर्फबारी हुई है।
तो रेगिस्तान और भीषण गर्मी के लिए मशहूर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यहाँ के लोग बेहाल हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भारी बारिश ने यहाँ पर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तूफान और भारी बारिश की वजह से दुबई की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यूएई के ने गुरुवार को स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। दुबई में केवल 7 घंटे में 257 सड़क हादसे हुए हैं। अबू धाबी में कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और अब देखिए, बाढ़ से बेहाल सुपर पावर अमेरिका के लुसियाना में अचानक आई फ्लश बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीम के लोग नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक ये फ्लश बाढ़ अलनीलो की वजह से आई है। चीन के अंदरूनी और पूर्वी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से यहां पर कई सार्वजनिक संस्थानों को बंद करना पड़ा है। साथ ही सड़कों पर बर्फ जमने से लोगों को जाने आने में दिक्कतें हो रही हैं और ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ट्रैफिक ठप हो गया है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक भारी बर्फबारी होती रहेगी। और अब आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड की ओर, जहां पर ग्रेफिटी आर्ट का एक बेहद खूबसूरत और क्रांतिकारी इस्तेमाल दिखाई दिया है। ग्रेफिटी आर्ट दरअसल रंगों के स्प्रे से की जाने वाली कलाकारी है, जिसके तहत पब्लिक प्लेसेस पर कई बार आर्टिस्ट अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ग्रेफिटी आर्टिस्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार किस तरह किया, आप भी देखिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के उत्तरी इलाके की एक वॉल इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जरिया बन गई है। एसिन एसिड नाम के सूडानेम आर्टिस्ट ने एक ऐसी तस्वीर को फाइनल टच दिया है जो रंगों के जरिए ही बहुत कुछ कह देती है। ये स्पीकर है जो मीडिया को दिखा रहा है। मीडिया कुछ कहना चाहती है लेकिन उसे रोका जा रहा है। अगर आप चिकन चेहरे पर डर का भाव देख सकते हैं, और कुछ था जो उसे पीछे से धक्का दे रहा था। थाईलैंड में सैन्य शासन को अब लगभग 2 साल हो चुके हैं। तख्ता पलट के जरिए थाईलैंड में सेना ने अपनी सत्ता कायम कर ली थी, जिसके बाद से लगातार यहां एक्सप्रेशन के राइट्स पर रोक लगी रही। प्रधानमंत्री प्रायुत चान ओचा ने तो ये भी कह दिया कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले न्यूज आउटलेट्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को रीगेन करने के लिए आर्टिस्ट अलग तरीके अपना रहे हैं। हालांकि डर अब भी है, क्योंकि आर्टिस्ट अपना नाम बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि थाईलैंड के अंदर भी इस बात को लेकर मतभेद हैं कि जुंता शासन सही है या नहीं, क्योंकि सैन्य शासन ने थाईलैंड में डेमोक्रेसी को लागू करने में काफी देर कर दी। चाहे वो नागरिक सरकार हो या सैन्य सरकार, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्पेस चाहिए होता है, वरना हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते जहां हर कोई एक जैसा सोचता हो। एक विकसित समाज में लोगों के पास कई आइडिया होते हैं और वो एक साथ रह सकते हैं। सैन्य शासन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन जरूर हो रहा है, लेकिन काफी वक्त से विद्रोह और प्रदर्शनों की आग में जल रहे थाईलैंड में थोड़ी स्थिरता जरूर आई है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।